दोस्तों माफ़ कीजिएगा आज मैं इस हालात में हूँ मैं ये वीडियो शूट करना नहीं चाहता था क्योंकि इससे बहुत लोगों के मन में बहुत से सवाल आएंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे धमकी मिली है कि आप यूट्यूब चैनल बंद कर दो आप बिज़नेस आइडिया देना बंद कर दो साथियों मैं जो भी आइडिया देता हूँ मतलब मेरे चैनल पे जितने भी आइडिया आप देखते हैं सब दस हज़ार से नीचे का होता है ज़्यादातर मैं छोटा आइडिया ही देता हूँ मैं किसी मशीन का प्रचार नहीं करता मैं किसी बड़े बड़े कंपनी से ऑफर आते हैं वहाँ पर जा के वीडियो नहीं शूट करता मैं किसी का नुकसान करना नहीं चाहता मैं जो देखता हूँ जो लोग मतलब कम पूँजी से कुछ करते हैं उन लोगों से बात करके उनसे विचार करके उनसे और मतलब ज्ञान लेकर के फिर मैं अब वीडियोज़ बनाता हूँ बट हुआ कुछ ऐसा कि मैं गोरखपुर जा रहा था मेरे यहाँ से गोरखपुर थोड़ा नज़दीक पड़ता है ये जो सिल्वर प्ले बटन होता है जो यूट्यूबर लोग को मिलता है एक लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं उसी को लेने जा रहा था और गोरखपुर में ही आ, मतलब जो बस स्टैंड है वहाँ से थोड़ा सा दूर और आगे मैं मतलब ले करके आ रहा था तब तक एक आदमी आया दो दो तीन लड़के थे और वो कह रहे हैं आप आर के टू लो मैं कहाँ तो कह रहे हैं कि आप आर के टू लो तो यार आप बिजनेस आइडिया दे तो मैं कहाँ कहते हैं कि तुम्हारा बिज़नेस आइडिया बेकार होता है है ना तो मैं कहा चलो ठीक है आपको बेकार लगता है लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको तो ठीक लगता है आप देखते नहीं है वीडियोज में लाइक आता है कुछ डिसलाइक आते हैं तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ कह रहे हैं कि आपके बिजनेस आइडिया बिल्कुल महाफुद होता है आप ऐसा आइडिया कहाँ से लाते हो ये मतलब कि इस तरीके से वो बात कर रहे थे यार गाली गलौज वाली मतलब भाषा से मैं आपको इस सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता तो मुझे बहुत डर लग गया यार मैं अकेले था अकेले जा रहा था सिल्वर पटे खुश होकर जा रहा था कि मैं सिल्वर प्ले बटन लाऊंगा आज आज एक लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं बट वो उनसे मैं ज़्यादा बहस नहीं किया मैं क्यों इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ज़्यादा बहस करना सब किसी से कोई शोभा देता नहीं है बात बढ़ती जाती है बात कुछ नहीं होता है मैं अकेले ही था फिर मैं उनकी बातें सुन ली ना मैं उनसे ये पूछा कि आप कहाँ के हो और ना ही मैं अपने बारे में बताया मैं थोड़ा सा पूछे वो लोग पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ से हो तो मैंने थोड़ा सा बताया कि मैं यहाँ से हूँ अभी मैं सोशल मीडिया बताऊँगा तो अभी आप लोग जानते हैं कि घर पर लोग आने शुरू कर देंगे तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं आप लोग मुझे जानते हैं सब ये सब आप लोगों का ही कृपा है कि जो भी हो रहा है बट इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन को होती है ना कि जलन होता है तो ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे ऐसी बात नहीं है मैं इतना धीरा बात नहीं करता हूँ मैं बहुत तेज़ आप लोग जानते हैं कि कितना फास्ट मैं बोलता हूँ बट आज का दिन मुझे धीरा बोलना पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ बिजनेस आइडिया दूँ या छोड़ दूँ या फिर इस चैनल पे कुछ और आपको दिखाऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वैसे तो मैंने सोचा था बहुत कुछ बट ये लग रहा है कि सारा सोच पे पानी फिर जाएगा हालाँकि मेरा कोई यूट्यूब के बारे में नॉलेज है मैं वीडियो वायरल कई मेरी वीडियो वायरल हुई हैं कैसे कैसे कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं यार क्या बताऊँ कितने मुश्किल से मैंने ये खड़ा किया है और रही बात मेरा तो मैं तो एक टेक्नीसियन हूँ मेरा किराने का भी दुकान है वैसे मैं मतलब कि इतना भी मतलब कि गरीब नहीं हूँ बोल सकते इतना गरीब नहीं हूँ कि यार मैं खाने के लिए मोहताज हूँ मेरे पास और भी काम है मैं कर सकता हूँ बट मेरा इंटरेस्ट इसमें रहता है वीडियोज में क्योंकि लोगों का जब प्यार मिलता है लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जी करता है कि यार इसी को किया जाए क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और यूट्यूब से पैसे क्या यूट्यूब से तो पैसे तो मिलता ही है इसमें कोई झूठ बात नहीं है ज़्यादा नहीं मिलता है और कम भी नहीं मिलता है। इतना मिलता है कि जितना में ख़र्चा चल जाता है यार मैं इसको पूरा फुल टाइम देता हूँ यूट्यूब को इसलिए कि अभी आप लोग जानते होंगे कि मैं मतलब कि ज़्यादातर जब से मेरे लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं ना मैं सच बोल रहा हूँ दिल दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं जब से मेरा लाख हुए हैं तब से मेरा मनोबल इस पर और ज़्यादा बढ़ता जाता है और आप ही लोग देख लीजिए जा कर के मेरे चैनल्स पर आप लोग देख लीजिए कि मैंने जो भी आइडिया दिया है जितने भी मैंने अपने चैनल्स पे आइडिया दिया है उसमें किसी का भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है और मैं बिल्कुल सोच समझ करके अच्छे तरीके से ताकि किसी का कुछ नुकसान ना हो मैं कौन सा आज तक अपने चैनल्स पर कोई आइडिया दिया हूँ जिसमें कि लाखों का मशीन होता है पचास का मशीन होता है मैं नहीं जाता हूँ मुझे ऑफर आते हैं ईमेल आते हैं मैं उसमें से ईमेल भी हटा दिया हूँ इसीलिए कि यार कोई और पहले ईमेल आते थे बट अभी नहीं आता लेकिन मैं हटा दिया हूँ ताकि किसी का कुछ नुकसान ना हो और मुझे वो सब ना करना पड़े मैं इतना मैं खुश हूँ जैसा है मेरा चल रहा है मेरा क्या चल रहा है यार मान लीजिए आज आप ठीक हैं मैं ठीक हूँ तो ये हम बातें कर रहे हैं तो सुबह देता है अब लोग जानते हैं कि कोई ऐसा भी होगा जो हमारे लिए मतलब कि हमारे लेवल पर आने के लिए सोचता होगा तरसता होगा आज ऐसे बहुत यूट्यूबर होंगे बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो मेरे कम से कम एज के होंगे 20-25 साल तीस साल के आसपास के होंगे और वो लोग मतलब इस जगह पे पहुंचना चाहते होंगे तो मैंने सोचा है कि यार अगर मैं बिजनेस आइडिया देता हूँ तो लोगों को बेकार लगता है बार बार कमेंट वही रिप्लाई पढ़ते हैं यार मैं इन उलझनों में पढ़ना नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि यार मेरे वजह से किसी का नुकसान हो मैं मेहनत भी करूं फिर उसके फल में मुझे धमकी मिले है ना बोल लड़के बोल रहे थे कि आपको जेल भिजवा दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा खैर वो तो बात की बात है इतना आसान भी नहीं होता है किसी को जेल भेजवाना बट जो भी है जो भी हुआ अच्छा हुआ आप लोग डिसाइड कीजिए मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपना कैटेगरी चेंज कर दूँ यार कैटेगरी चेंज करने का मतलब यह है कि जो मैं बिजनेस आइडिया देता हूँ उसको बंद कर दूँ और जैसे मुझे यूट्यूब के बारे में पता है डी के बारे में पता है मतलब यूट्यूब के सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता तो हो गया आज चार साल हो गया मेरे को यूट्यूब पे काम करते हुए तो मैंने सोचा यार कि मैं क्यों ना यूट्यूब के भी ही बारे में लोगों को बताऊँ जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं वीडियो जैर कैसे होती हैं सब्सक्राइबर पूरा कैसे करते हैं और वास्ट टाइम क्या होता है मतलब सारा अपडेट अपडेट में जो भी आता है मुझे पता है तो मैं सोच रहा हूँ कि यही बताऊँ आप लोगों को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल सच्चाई के साथ तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा देखिए ये सारा कुछ जो भी है मतलब कि ये सारा आप ही लोगों के ऊपर डिसाइड करना है जिस हिसाब से मैंने एक उसमें भी उस क्या बोलते हैं उसमें कम्युनिटी में मैंने एक वोटिंग भी किया था यही सोच समझ कर कि लोगों को रिस्पांस देखते हैं लोग क्या कहते हैं मैं मेरा भी मन बदल रहा है यार मैं सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मान लीजिए कि मैं मेहनत करता हूँ ये पाँच मिनट की वीडियो होती है या आठ मिनट की वीडियो होती है लोग देखते हैं बट उसके पीछे कितना मेहनत होता है यार एक यूट्यूबर होगा तो वो समझ रहा होगा कि भाई उसके पीछे कितना मेहनत होता है ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आया उठा के डाल दिया ऐसे करना होता तो डेली वीडियो दस पंद्रह डेली में बना देता क्योंकि मेरे पास दुकान में इतने सा, सारे सारे सामान हैं कि मैं चाहूँ तो डेली वीडियो दूंगा दस पाँच दस पाँच लेकिन क्या फ़ायदा है कुछ ऐसा देते हैं हम जो लोगों को कुछ हेल्प हो या लोग उसके बारे में ढूंढ रहे हो ठीक है तो ज़्यादा इस वीडियोस को लंबी ना करते हुए मैं रोना नहीं रोना मतलब ये मत समझिए कि मैं आपके सामने रोना रो रहा हूँ कि आ, मुझे ये धमकी मिली है उनके मिली ऐसे ऐसे धमकी तो बहुत मिलते हैं बट कुछ धमकियाँ होती हैं कुछ लोगों की बातें होती हैं जो दिल में लग जाती है और उसके हिसाब से वो हमें सिखा ही के जाती है कि भाई आपको अब ये नहीं करना है आपको ये करना चाहिए तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं यूट्यूब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं अपना आपका भी एक चैनल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा संख्या में कमेंट आया ना कि YouTube के ही बारे में बताइए YouTube टिप्स दीजिए तो मुझे एक्सपीरियंस है चार साल का और मैं मतलब कि शायद ही कोई चीज़ होगा जो नहीं जानता हूँ वैसे तो इंसान सब कुछ नहीं जानता लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना मैं आपके सामने रख दूँगा और एक एक वीडियोज करके पाँच मिनट छः मिनट चार मिनट जितने का भी मतलब एक एक वीडियोज में अच्छे तरीके से सच्चाई के साथ एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाऊँगा मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि मुझे कैटेगरी चेंज कर देना चाहिए बट अब मान लीजिए एक चैनल है अब इस चैनल को मैं छोड़ दूँ तो बहुत दुख लगता है यार क्योंकि इतने मेहनत से मैंने खड़ा किया है इसको बेच दूँ बिक जाएगा बट क्या फ़ायदा है कुछ लोगों के वजह से ये सब करना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं कैटेगरी चेंज कर दूँगा इसको ना बता करके क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये तो खुद भिखारी है तो हमें ये पैसे बताने के लिए बोल रहा है क्या क्या जवाब दूं यार मैं तो अब काफ़ी लोग होते हैं कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप इतना आइडिया आप जानते हो और आप जो है ये किराने दुकान चलाते हो तो आप क्यों नहीं इस आइडिया को कर लेते आप इस आइडिया उनका कहना सही है यार मैं वो आइडिया क्यों करूँगा वो मैं आइडिया क्यों करूँगा क्योंकि मेरा नॉलेज कुछ और है मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है मेरा इंटरेस्ट है वो कुछ और है हाँ जिस इंसान को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसमें काम करता है तो जिस जिसमें वो आगे बढ़ता है उसी में तो काम करेगा ना तो मैं जिसमें आगे बढ़ रहा हूँ जिस वजह से मेरा मेरा चैनल ग्रो हो रहा है जिस वजह से मुझे कुछ अर्निंग हो रही है जिस वजह से मतलब कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं उसी में काम करूँगा ना तो लोगों को ये लगता है तो सही बात है लोग भी लोगों का भी कहना सही है तो आप ही लोग मुझे बताइए कि यार आप मुझे मुझे क्या करना चाहिए मुझे YouTube टिप्स देना चाहिए या बिजनेस आइडिया देना चाहिए मतलब कि जो आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से इस चैनल पे मैं वीडियोस तो अपलोड करूँगा अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं इस चैनल को आप सेल कर दो बेच दो तो मैं बेच भी दूँगा क्योंकि जिस ज़्यादा संख्या में जो कमेंट आएगा मैं उसी के हिसाब से काम करने वाला हूँ क्योंकि ये चैनल आप लोगों ने ही बनाया है मेरा तो सिर्फ़ एक नाम है बाकी आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होते नहीं वायरल हुआ होता तो ये इतना लोग थोड़ी जुड़ते मेरे से खैर ठीक है यार बहुत हो गई बात है आप लोग बताइएगा अगर मुझसे कोई गलती हो मतलब हुई है अभी तक तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो मुझसे जलते हैं या फिर मुझे धमकी दे रहे हैं या जो भी समझते हैं यार आप लोग एक काम कीजिए किसी को देख करके ना जला नहीं चाहिए यार उसकी बराबरी करनी चाहिए अगर मैंने कुछ किया है तभी तो ये हो रहा है ना अगर मैंने कुछ मेहनत नहीं किया होता तो आज यहाँ पे हम मैं बात करता आप लोगों से नहीं करते आप लोग मुझे जानते नहीं जानते तो अगर मैं किसी को ज्ञान देता हूँ तो वो भी बेकार लगता है तो खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोग डिसाइड करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा मैं कमेंट का आपका इंतज़ार करूँगा वैसा ही काम करूँगा धन्यवाद